हेलो दोस्तों, चलिए आज हम यूपी बोर्ड क्लास एट का 7E का क्वेश्चन नंबर 8 का 1 पढ़ते हैं और इसको हल करने का प्रयास करते हैं। इसको हम 3x, 3 से x में मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 3 से 2 में 3 2 6y, और इसको पक्षांतर कर लेते हैं, 10y है तो माइनस 10y हो जाएगा और बराबर 5 लिख देते हैं। इसको समीकरण 1 का नाम दे देते हैं। अब यहाँ 2 से x में गुणा 2x प्लस रहेगा ही, 2 से 2 2 4 2y हो गया, 3x को पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस 3x हो जाएगा, 3x बराबर 2 है 2 रहेगा, इसको समीकरण 2 रख देते हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हल कर लेते हैं। आगे ये 3x है, 3x लिख देते हैं, 6y है इसमें 10y माइनस हो जाएगा तो बचेगा क्या, माइनस 4y बचेगा, 4y बराबर 5 रहेगा ही। और उसके बाद फिर ये 2x उतार ही लेते हैं, ये 4y है, 2x में ये माइनस 3x है, 2x जो है माइनस हो जाएगा तो खाली माइनस x बचेगा, क्या बचेगा, माइनस एक्स बचेगा, यहाँ पे प्लस फोर यू फोर वाई उतार ही लेते हैं, यहाँ पे 2 बचता है 2 लिख देते हैं, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, इसको समीकरण 4 मान लेते हैं। समीकरण 3 या 4 को घटाने पर या जोड़ने पर इनको जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये प्लस माइनस खत्म हो जाएगा और 3x में माइनस 2x कितना बचेगा, यहाँ पर जाएगा आपका 2x और यहाँ पे 5 2 7 हो जाएगा, क्योंकि हमने किसी का चिन्ह नहीं बदला इसलिए किसी का चिन्ह नहीं बदलेगा। यहाँ पे 3x था तो माइनस x कम हुआ 2x हो गया, यहाँ प्लस प्लस है तो 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा। अब इसके बाद इधर आगे कर लेते हैं हम, अब ये 2x है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7 ऊपर रहेगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, 7/2 हो जाएगा, x का वैल्यू ये निकल आया आपका, किसका वैल्यू निकला, x का वैल्यू। अब हम लोग y का वैल्यू निकाल लेते हैं, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर समीकरण 3 यहाँ पे है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम लोग x का वैल्यू रख लेते हैं, समीकरण 3 ये है, 3 गुणते एक्स का वैल्यू क्या है, 7/2 है तो 7/2 रख देंगे, माइनस 4 है, 4y/1 बराबर 5 रख देंगे। अब यहाँ पे 7 3 21 21/2 माइनस 4y/1 रहेगा, बराबर 5 रहेगा ही, इसके एलसीएम निकाले 2 आ गया, 2 1 2 1 2 4 2 8 y हो जाएगा, बराबर 5 बना ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, 21 हो ही जाएगा आपका, और ये पक्षांतर कर लेंगे हम, पक्षांतर पर
पक्षांतर क्या तिर्यक का गुणा करने पर मान लिया जाए तो यहाँ पे 21 रहेगा, माइनस 8y हो जाएगा, एक से गुणा करेंगे वही संख्या आएगी, और दो से पाँच में पाँच दो में 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस 8y है ही, अब पक्षांतर करने पर होगा तो ये 10 रहेगा ही, ये माइनस प्लस 21 उधर जाएगा, माइनस 21 हो जाएगा, प्लस 21 उधर जाएगा, माइनस 21 हो जाएगा, तो माइनस 8 है ही, ये 11 हो जाएगा, माइनस 11 हो जाएगा। 10 प्लस है, प्लस में से माइनस गया, ये तो हमेशा फॉलो, जिसके चिन्ह अधिक होंगे प्लस माइनस में वही आंसर होता है। तो वाई बराबर क्या होगा, माइनस 11 बटा माइनस 8, माइनस माइनस कट गया, तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे y का वैल्यू जो है 8 बराबर y बराबर 11 बटा 8 होगा। चाहे ये मान लो, चाहे इसमें भाग दे दो, 8 में से 8 कम 8, 3 शेष आ गया, 8 आ गया, ये भी हो सकता है, और यहाँ पे इसको भी मान सकते हो आप। अतः x बराबर 2/3 6, ये 3 से 1/2 और y बराबर 1 सही 3/8 है। ये आपका सवाल खत्म हो जाता है इसके साथ। यहाँ पे हम y का मान निकाले हैं, ये y का मान, यहाँ पे पूरा आंसर निकला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, 8 का क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या कह रहा है, इसको हम क्या करते हैं, हम लोग पहले देखते हैं इसको बराबर कैसे करना है। इसमें से कोई एक पद हमें बराबर करना है, अगर हमें जो है विलोपन विधि से करना है तो कोई एक बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने, तो ये y बटा 15 है, ये y बटा 5 है, अगर 1/3 से गुणा कर दें इस समीकरण 2 में, समीकरण 2 में अगर 1/3 से गुणा करें तो ये भी 3 × 15 हो जाएगा। तो चलो कर लेते हैं इसको, समीकरण 2 में 1/3 से गुणा करने पर, 1/3 से गुणा कर देते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, ये पहले हम इसी को उतार लेते हैं, 1/3 से गुणा करते हैं, एक्स 2 गुणते 1/3 माइनस वाई 5 गुड़ते 1/3 बराबर 1/3 गुड़ते 4 कर लेते हैं। अब उसके बाद एक्स एक्स सम एक्स, 2 × 3 = 6 माइनस वाई कम वाई 5 × 3 = 15 और इसमें 4/3 हो जाएगा। ये हो गया आपका। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, इसमें एक्स 7 प्लस वाई 15 बराबर 3 रख देते हैं, इसको समीकरण 4 मान लेते हैं, ये उसका पहला वाला समीकरण यहाँ उतार लेते हैं, हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं। जोड़ने पर अब इसको जोड़ते हैं हम लोग, तो ये प्लस माइनस है, दोनों कट गया, इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या होगा, एक्स 6 प्लस एक्स 7 बराबर, ये क्या होगा, 4/3 प्लस 3/1 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग इसको आगे यहाँ करते हैं, तो इन 6 और 7 का एलसीएम निकालें तो क्या निकलेगा, 42 निकलेगा,
छः सते वाली सात में एक्स से गुणा, सात एक्स प्लस छः सते बयालीस, छः सते सात छंग बयालीस, तो छः में छः एक्स हो जाएगा, और इन दोनों का तीन और तीन और एक कैल्शियम तीन ही आएगा, तीन एक कम तीन तो चार, एक कम चार हो जाएगा, प्लस एक तिक्के तीन, एक तिक्के तीन, तो तीन त्रिक्का नौ हो जाएगा। अब उसके बाद इस एक्स एक्स सजाती पद हैं, जोड़ देते हैं इसको हम, सात छः तेरह एक्स हो जाएगा बटा बयालीस, इसको क्या करेंगे, नौ चार तेरह हो जाएगा, तेरह बटा तीन हो जाएगा। अब पक्षांतर कर लेते हैं, वो तेरह का गुणा करने पर, तेरह का गुणा कर लेते हैं तो तीन से, तीन से तेरह गुणा तेरतियाँ उनतालीस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे तेरह से बयालीस में गुणा हो जाएगा। अब उसके बाद एक्स बराबर क्या होगा, तेरह गुणते बयालीस है ही, बटा उनतालीस लिख देते हैं, तेरह कन्नम तेरह और तेरतिया उनतालीस, तीन तीन कन्नम तीन, तीन एक कम तीन, तीन चौग्वारा, एक्स का मान क्या निकला, चौदह निकल आया, यही एक्स का मान हो गया, ये आपका एक्स का वैल्यू निकल आया। अब क्या करते हैं हम लोग इसको हल कर लेते हैं, एक्स का मान समीकरण समीकरण तीन में रख लेते हैं, समीकरण तीन में रखने पर x का मान समीकरण तीन में रख लेते हैं। अब समीकरण तीन देख लेते हैं, इसमें x का वैल्यू रखना है, x का वैल्यू क्या है, चौदह है। समीकरण तीन कहाँ है, यहाँ पर है, देखिए यहाँ पे चौदह रख लेते हैं, चौदह बटा छ माइनस y बटा पंद्रह, और यहाँ और कहीं नहीं है ना, तो चार बटा तीन कर लेते हैं। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, पंद्रह छक्का यानी पंद्रह तीस आएगा, तीस एलसीएम, छः पैंतीस तो चौदह में पाँच से गुणा, चौदह गुणते पाँच माइनस पंद्रह दूना तीस तो टू वाई हो गया बराबर चार बटा तीन है ये, तो चौदह पंचे सत्तर, क्या होगा, चौदह पंचे सत्तर माइनस टू वाई बटा तीस है ये, चार बटा तीन रख देते हैं, तीन एक कम तीन, तीन दहम्मा तीस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा सत्तर माइनस टू वाई बटा दस रहेगा, उसको तेरह का गुणा कर लेते हैं, एक से गुणा करेंगे तो सत्तर माइनस टू आई ही आएगा, और दस में चार से गुणा करेंगे तो दस चौक चालीस हो जाएगा। अब माइनस चौबीस है ही, मतलब माइनस टू आई चालीस, ये प्लस चौबीस है ना, इसमें प्लस सत्तर है ना, इधर आएगा माइनस सत्तर हो जाएगा, टू आई बराबर ये हो जाएगा आपका तीस हो जाएगा, माइनस तीस हो जाएगा, अब वाई बराबर क्या होगा, माइनस तीस बटा माइनस दो कट गया, तो वाई का मान क्या निकलेगा, देखो दो पंद्रह में तीस, पंद्रह निकलेगा, क्या निकलेगा, वाई का मान पंद्रह निकल आया, ये हो गया आपका वाई का मान पंद्रह। अब उसके बाद अतः x बराबर चौदह और y बराबर पंद्रह है,
कक्षा आठ के चैप्टर एटे का आठवीं का तीसरा देखते हैं। अब इसको हल कर लेते हैं हम लोग, हल करते हैं समीकरण पहला जो है इसको समीकरण एक का नाम देते हैं, इसको समीकरण दो का नाम दे देते हैं। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें कोई एक पद हमें बराबर करना है, तो इसके लिए 0.5 से हम 3.4x में सभी पद में गुणा करेंगे, और 0.5 का नाम 3.4 से 0.5x माइनस 0.7y बराबर 2 में सभी पदों से गुणा कर देंगे। तो चलो इसको कर लेते हैं, समीकरण एक में तीन दशमलव चार तथा समीकरण दो में 0.5 से गुणा करने पर चलिए हम लोग अब गुणा कर लेते हैं। देखिए 3.4 से गुणा 0.5x माइनस 3.4 से गुणा 0.7y बराबर 3.4 से गुणा 2 में इस सभी पदों में हमने गुणा कर दिया 3.4 से। अब देखो गुणा कर लेते हैं, 5 चौक 20 पाँच तेईस 15 दो 17 दो संख्या पर दशमलव लगा दिए माइनस 7 से गुणा 7 चौक 28 और 7 त्रिक 21 21 2 23 दो संख्या पर दशमलव लगा दिए इतने वाई हो गया बराबर 2 चौक 8 2 3 6 इसको समीकरण तीन का नाम दे देते हैं हम लोग। अब उसके बाद अब जो है समीकरण दो में 0.5 से गुणा कर लेते हैं, समीकरण दो में 0.5 से गुणा 3.4x में माइनस 0.5 से गुणा 4.4y में बराबर 0.5 से गुणा 15.4 में। अब गुणा कर लेते हैं इसको भी हम लोग, 5 चौक 20 पाँच तेईस 15 दो 17 दो संख्या बाद दशमलव लगा देना ही x हो जाएगा माइनस 5 चौक 20 5 चौक 20 2 22 दो संख्या बाद दशमलव लगा देते हैं y हो जाएगा बराबर 5 चौक 20 का 0 और 5 पचम 25 2 27 5 एकन्नम 5 2 7 हो गया। ये आ गया इसको समीकरण चार का नाम देते हैं, समीकरण तीन व चार को जोड़ने पर अब समीकरण तीन को या समीकरण चार को पहले रख लेते हैं। समीकरण चार 1.70x माइनस 2.20y बराबर 7.70 उसके बाद 1.70 समीकरण तीन को ले लेते हैं x माइनस 2.38y बराबर 6.8 रख लेते हैं। दांत अगर निकालो दिक्कत हो दांत वहीं तोड़ दे संभाल ले, हाँ दांत जो है ना वहीं देखे अंदर जी सूदिन के। अब इसको जोड़ देते हैं,
इसका चिन्ह बदलना पड़ेगा हमें, माइनस यहाँ प्लस छिपा हुआ है माइनस लगा देंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, यहाँ भी प्लस लगाना पड़ेगा, यहाँ भी प्लस छिपा हुआ है माइनस लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे घटा लेते हैं, तो कैसे घटाएंगे इसको, इसको घटाने के लिए हमें करना पड़ेगा यहाँ पे घटा लेते हैं, पहले इसको ऊपर रख लेते हैं, 2.38 में हम घटाते हैं 2.20, तो क्या आएगा 8 आएगा, ये 1 आ जाएगा, दशमलव ये 0.18 आएगा, ये 0.18 वाई, यहाँ पे घटा लेते हैं 0 हो जाएगा, 0 में 0 गया 0 और 17 में से 8 गया 9.00 हो जाएगा, ये मान निकाला है। अब वाई का मान क्या होगा, वाई बराबर रख लेते हैं 0.9 ये 0 मान लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 0.18। अब यहाँ पे x 0.0 खत्म हो गया, y का वैल्यू क्या निकलेगा, 18 × 5 = 90 पांच निकलेगा, पांच निकलाया, क्या निकलाया, पांच निकलाया y का वैल्यू। अब उसके बाद हम y का मान समीकरण चाहे 1 में रखो, समीकरण या 3 में रखो, 3 में रखने पर समीकरण 3 में रख देते हैं, समीकरण 3 कहाँ पे है, ये यहाँ पे है, वाई का वैल्यू रखना है 1.70x − 2.38 × 5 वाई के स्थान पर रख देना है, बराबर 6.8 कर देना है। अब उसके बाद हम यहाँ पे इसको 1.70x रखते हैं, −5 × 8 = 0, 5 × 3 = 15, 4 = 19, 5 × 2 = 10, 11 2 संख्या तो लगा देते हैं, और यहाँ पे 6.8 रहेगा ही। अब पक्षांतर कर लेते हैं, पक्षांतर करने पे क्या होगा कि आपका ये जो है 1.7x रहेगा ही और बराबर 6.8, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 11.9 हो जाएगा। इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, 9 × 8 = 17 और यहाँ पे 6 × 7 = 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये आपका 1.70x बराबर 18.70 हो जाएगा। अब x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 18.70 × 1.70 रहेगा। अब दोनों का 0 हटा देते हैं तो क्या होगा, तो फिर आपका 18.70 ये हो जाएगा, 18.70 हो जाएगा, ये 170 हो जाएगा, ये 0 0 0 कट गया, 17 × 17 इसमें 1 बच गया, 17 × 17 यानी x का मान 11 निकल आया, यही हो गया x का वैल्यू। अभी अतः x बराबर 11 और y बराबर क्या निकला था, y बराबर यहाँ पे निकला था, y बराबर 5, क्या होगा, y बराबर 5